देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ फास्ट खबरों पर। गिरनापुर 3 वर्षों तक नाली सफाई पेयजल के लिए ग्रामीणों की गुहार। जहां शासन द्वारा स्वच्छता मिशन और ग्रामीणों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायतों को राशि भी आवंटित की गई है, किंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते जमीनी स्तर पर आज भी ग्रामवासी सुविधाओं से दूर ही नहीं, गुहार लगाने के बाद भी बेबस नजर आ रहे हैं। स्थिति यह आ गई, ग्रामीण जन शासन की मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए क्या करें? समस्या परे हो गए, पेयजल हैंडपंप बंद, नालियों में गंदगी का आलम। मामला जनपद मुख्यालय के किरनापुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अकोला में पंचायत कार्यालय के पास ही ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि लगभग 5 वर्षों से नालियों की सफाई नहीं की गई, जिससे गंदगी बढ़ती जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने ही पेयजल हेतु हैंडपंप तो है, किंतु बताया जा रहा है कि बोर में पाइप चले जाने के कारण से बंद कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत भी संबंधित विभागों को किया गया, किंतु शिकायत की स्थिति से दूर है। वहीं नाली में गंदगी व बंद बोर कार्यालय के समीप है, जहां ग्राम पंचायत पदाधिकारी ही नहीं पंचायत के आते जाते अधिकारियों को भी नजर आ ही जाता होगा। ग्रामीणों ने ग्रीष्म काल की दस्तक के चलते पेयजल व्यवस्था बनाने किया निवेदन। वहीं ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि गर्मी का समय आ गया है, पेयजल व्यवस्था अनिवार्य हो गई है, फिलहाल पानी दूर के हैंडपंप से लाना पड़ता है, गंदगी होने से मच्छरों का आतंक हो रहा है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। आपके नाम शुभम मिश्रा। कौन सी ग्राम पंचायत से? अकोला। अकोला पंचायत से। भैया जैसे नालियाँ है, इनकी कभी सफाई हुई कि नहीं? नहीं। कब से नहीं हुई? 4-5 साल हो गए। ऐसे सभी नालियों का हाल है क्या? हाँ। पूरी नालियों में यही स्थिति है। आप कभी ग्राम पंचायत में तो बोलते हो गए सरपंच सचिव को? हाँ बोलते हैं, लेकिन उसका क्या बोलते हैं सरपंच? नाली सफा कर बोलते हैं तो कोई जवाब ही नहीं देते। नहीं कोई ना, कहीं और भी जगह नाली है ऐसी, तो सभी जगह ऐसी गंदगी फैली हुई है, पूरे गांव में ऐसी गंदगी पूरी।